बीए के बाद क्या करें? टॉप चार कोर्सेज, बड़ी बड़ी जॉब मिलेगी 101%। जी हाँ, वीडियो पे सही आए हो। अगर आप बीए कर चुके हो तो बीए के बाद अब करना क्या है, इस वीडियो में हम बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक, आप देख रहे हो एजुकेशन विद विवेक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि 10 वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय रोजन ऐप, जिसको डाउनलोड करते ही ₹50 इंस्टेंटली मिल जाएंगे। तो लिंक नीचे दिया है, डाउनलोड राइट नाउ। तो सबसे पहला ऑप्शन करना है आपको IAS एवं IPS। अब सारे बंदे ये पूछेंगे कि सर, ये एक बहुत बड़ी डिग्री होती है, लेकिन ये छोटी डिग्री भी मानी जा सकती है क्योंकि इसकी तैयारी UPSC करवाती है। अगर हम 1-2 साल इसमें लगाए तो जॉब लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। और दूसरा चांसेस है MBA, यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये सभी को पता है, MBA में बिजनेसमैन जो भी बिजनेस में सबसे टॉप व्यापारीकरण में कर सकता है, या फिर जिसने ईको पढ़ रखी है, वो बंदा इसमें अप्लाई कर बहुत बड़े पोस्ट पर जा सकता है। ये डिग्री बहुत बड़ी मानी जाती है जो MBA करता है। हालांकि गुजरात में देखा जाए तो गुजरात के बंदे सभी MBA करते हैं क्योंकि व्यापारीकरण में सबसे आगे गुजरात है। और तीसरे कोर्स की बात करें तो LLB, यानी कि लॉ का हर बार एग्ज़ाम, हर साल एग्ज़ाम होता है, जिसमें एडमिशन लेकर आपको बड़ी बड़ी हायर, जैसे ही आपका सिलेक्शन हो गया और अगर आपके बढ़िया नंबर है तो बड़ी बड़ी लॉयर कंपनी आपको हायर करती है और आपको लॉयर के रूप में, जज के रूप में कोई प्लेसमेंट देती है या फिर कोई केस संभालने को कहती है। फिर चौथा और अंतिम है डिप्लोमा। अब डिप्लोमा सब पूछेंगे, डिप्लोमा क्या करें, आपके अंदर क्या खामी है, यानी कि आप खाना अच्छा बना सकते हो, इट्स मीन होटल मैनेजमेंट। अगर आप गाना गाना सकते हो तो इवेंट मैनेजमेंट। इसी तरह बहुत सारे कोर्स होते हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।